नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका अभी के चैनल में। इस वीडियो में हम वह 10 प्रश्न लेंगे जो मुझसे आजकल पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं उन 10 प्रश्नों के उत्तर मैं वीडियो के माध्यम से ही दे दूँ बजाय उन सबका अलग अलग जवाब देने के। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आप कैसे हैं, आप आजकल वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, आजकल मैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी का यानी कि ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूँ, साथ ही में टेलीफोन पर मैं कंसल्टेशंस कर रहा हूँ, कुछ कंसल्टेशंस जूम के या स्काइप के माध्यम से भी हो रही हैं। और इसके साथ साथ जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखने का शौक है, मैं उनको एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी दे रहा हूँ ऑनलाइन। तो मैं काफ़ी बिजी हूँ। आपका एक और प्रश्न था इसी में ही कि मैं आजकल वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहा, तो इसके भी दो कारण हैं। पहला, यह मेरा घर है, ऑफिस नहीं है, और मेरे पास सारे उपकरण नहीं मौजूद थे, अब कुछ मैंने इकट्ठा किया है। और दूसरा, मैं उचित नहीं समझता हूँ कि इस समय भविष्यवाणियों की यानी कि ये हफ्ता या ये महीना कैसा रहेगा उनके वीडियोस बनाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारी गतिविधियां सीमित हैं, तो हम क्या बातें करेंगे और कितनी बातें करेंगे। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है कि ये कोरोना का अंत कब होगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसको लेकर मैंने अभी अभी एक वीडियो अपलोड किया है जिसके बारे में मैंने एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से आपको बताया है कि भारतवर्ष के हालात कैसे रहेंगे अगले 6 से 12 महीने और विश्व के हालात भी कैसे रहेंगे अगले 6 से 12 महीने। और इस वीडियो का आप चित्र देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, और इसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। परंतु फिर भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि 30 जून के बाद आप थोड़ा आंशिक रूप से रिलीफ देख सकते हैं, परंतु नवंबर के बाद आपको फिर से अति सावधान होने की आवश्यकता रहेगी, और कब तक ये आप उस वीडियो में देख सकते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है कि क्या आप भी मुझसे एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो मेरा उत्तर है जी हाँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखने के इच्छुक हैं और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आप 1 घंटा से लेकर 2 घंटा एक हफ्ते में लगा सकते हैं, जी हाँ, सिर्फ 1 या 2 घंटे एक हफ्ते में, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन आ सकते हैं। मैं जूम के माध्यम से या स्काइप के माध्यम से या जो भी और नया सॉफ्टवेयर बेहतर पाया जाएगा उसके माध्यम से मैं 1-to-1 क्लासेस ले रहा हूँ। 1-to-1 से मतलब इधर मैं रहूँगा, उधर आप या 2-3 लोग और रहेंगे जो एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन पर अब नंबर चल रहा है उस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, और ये नंबर नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। चौथा प्रश्न जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या आप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन की फ़ीस भी लेते हैं। और बहुत सारी वेबसाइट्स पे तो हमें मुफ्त में एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन मिल जाती है। तो जी हाँ, मैं कम से कम 20 सालों से एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हूँ, अनगिनत किताबें खरीदी हैं, अनगिनत मैंने कोर्सेज अटेंड करे हैं, और उस सब पे मैंने बहुत खर्चा किया है, और एस्ट्रोलॉजी आंशिक रूप से मेरा प्रोफेशन भी है। तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे अपनी कंसल्टेशन का जो समय है या जो स्किल मैं लगाता हूँ उसकी फ़ीस मैं आपसे चार्ज करूँ। अब जहाँ तक सवाल रहा फ्री कंसल्टेशन का, तो गूगल ने हम सबको थोड़ा सा स्पॉइल कर दिया है कि बहुत सारी चीज़ें आप फ्री पा सकते हैं, और इनमें एस्ट्रोलॉजी भी है। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और आपको फ्री रिपोर्ट देती हैं, ऐसा ज़रूर होता होगा, मैं इसको मानता हूँ। पर यह भी आप समझ सकते हैं कि उस रिपोर्ट के पीछे कोई पढ़ा लिखा विशेषज्ञ नहीं बैठा हुआ है, यानी कि कोई जानकार और एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर नहीं बैठा हुआ है, उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली और खटक से पलक झपकते ही आपकी एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट सामने आ जाती है। ये जो गूगल फ्री की आदत है इसमें मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखूँगा,
खास तौर पर जब स्थिति थोड़ी गंभीर है, जैसे कि आप अगर बीमार हैं, आप गूगल पर जाकर कोई मेडिकल वेबसाइट के ऊपर अपने लिए दवाई नहीं ढूंढेंगे, आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर फीस देकर उससे कंसल्ट करके जो भी वो दवाई रिकमेंड करते हैं वही लेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी या लीगल कंसल्टेशन ठीक उसी तरह से है। आइए अब लेते हैं पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न है कि एस्ट्रोलॉजर के पास कब जाना चाहिए या एस्ट्रोलॉजर से सलाह कब लेनी चाहिए। तो मैं इस प्रश्न को बहुत ही अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इसका उत्तर आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारी देगा और बहुत सारा फायदा देगा। आपको जब जब जीवन में कुछ खास सहायता चाहिए, गाइडेंस चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप अपनी कुंडली दिखाकर एस्ट्रोलॉजर से सही सलाह मशवरा कर सकते हैं और एक मार्गदर्शन पा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम सबके जीवन में ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण चरण आते हैं जब हमें एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर जब आप 18 साल के होते हैं तो आप लगभग अपने स्कूल को कंप्लीट कर रहे होते हैं। अब आगे क्या पढ़ना है, कौन से विषय लेने हैं, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, या पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है, घर में जो व्यापार चल रहा है उसको ज्वाइन करना है, ये सब चीज़ों का सही मार्गदर्शन आपको एस्ट्रोलॉजर से ही मिल सकता है। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पर। अगला पड़ाव आता है लगभग 22 से 25 साल की उम्र में। ये पड़ाव में हमें ये देखना होता है कि अब तो पढ़ाई ख़त्म हो रही है, चाहे वो सिंपल प्लेन ग्रेजुएशन है या कोई प्रोफेशनल कोर्स है। अब व्यक्ति देखता है कि उसको और अधिक पढ़ाई करनी है या उसको अब एक नौकरी की या रोज़गार की तलाश करनी होगी। यहाँ पर भी आपको एस्ट्रोलॉजर मदद कर सकता है। तीसरा पड़ाव आता है लगभग 30 से 32 साल की उम्र में, जब व्यक्ति के सामने प्रश्न होते हैं कि क्या मैं अब अपनी जॉब को चेंज करूं, या अब नौकरी छोड़कर व्यापार करूं, या अब मैं शादी करूं और घर बसाऊं। इसके बाद चौथा पड़ाव जो आता है वह आता है लगभग 40 वर्ष की अवस्था में। इस अवस्था में व्यक्ति सोचता है फिर से अपने करियर के बारे में, फिर से ये सोचता है कि अब करियर में नया मोड़ क्या होगा, क्या मुझे जॉब छोड़नी चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए, या अब मुझे जॉब को छोड़कर अपना स्वयं का बिज़नेस शुरू करना चाहिए, या मेरा बिज़नेस जो है वो चल तो रहा है पर उसको मैं और आगे कैसे बढ़ाऊं। इसके बाद अगला पड़ाव आता है लगभग 45 से 50 साल की अवस्था में, जिसको हम मिड लाइफ क्राइसिस भी बोलते हैं। ऐसे में व्यक्ति देखता है कि उसके लिए अब इतनी सारी नौकरियां नहीं रही हैं, अगर उससे जॉब छूट गई तो उसके घर पर उसकी लायबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, तो वो क्या करेगा। एक बार फिर से ज्योतिष आपका मार्गदर्शन करने के लिए हाजिर है। तो मैं समझता हूँ ये तो अवस्थाएं हैं जो हम सब के जीवन में आती हैं। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, जैसे कोर्ट केस है या किसी के साथ कोई लेनदारी है, तो उस समय अगर आप अपने आप को एक विषम परिस्थिति में घिरा हुआ पाते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजिस्ट से मार्गदर्शन ले सकते हैं। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न की ओर कि मुझे एक जेमस्टोन यानी कि मुझे एक पत्थर रिकमेंड करिए। देखिए यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये वो चीज़ नहीं है कि मेरी हाइट 6 फुट की है तो आप मुझे बताइए कि मुझे शर्ट किस साइज़ की पहननी चाहिए। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कभी भी आपके नाम से या सिर्फ ये कहकर कि मुझे जेमस्टोन बताइए आपको जेमस्टोन बता देगा, ये एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम है। इसके लिए आपकी कुंडली का विश्लेषण होना चाहिए और उस कुंडली के विश्लेषण के बाद ही आपको एक जेमस्टोन बताया जाएगा जो आपके उस ग्रह को मजबूत करेगा जो कमज़ोर है या एक से ज़्यादा। फिर भी अगर आप उत्सुक हैं तो हमने बहुत सारे वीडियोस पहले से ही अपलोड किए हुए हैं जेमस्टोन्स के बारे में और अलग अलग जेमस्टोन के बारे में, तो उन वीडियोस का लिंक या प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा और वह जानकारी ये है कि अगर आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको पहनना होगा रूबी यानी कि माणिक। अगर आप
चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो मोती आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप मंगल को मजबूत करना चाहते हैं तो रेड कोरल, जिसे कि लाल मूंगा भी कहते हैं, वह आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी तरह से हीरा उपयुक्त है शुक्र के लिए, और राहु के लिए है गोमेद, और केतु के लिए है कैट्साई। शनि के लिए हम बताते हैं नीलम, और बृहस्पति के लिए हम बताते हैं पीला पुखराज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा 9 के 9 ग्रहों के लिए कौन कौन से रत्न पहनाए जाते हैं। इसी श्रृंखला में 7वां प्रश्न है कि जेमस्टोन कैसे पहनते हैं। देखिए, जेमस्टोन पहनने से पहले मैं कहूँगा कि जेमस्टोन कैसे खरीदते हैं, कौन सा जेमस्टोन खरीदना चाहिए, किस प्रकार का जेमस्टोन खरीदना चाहिए, किस क्वालिटी का जेमस्टोन खरीदना चाहिए, इन सब को भी आपको महत्व देना होगा। तो आइए इसके बारे में मैं आपको ज़रा ज़रा सा हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपको साइज़ देखना है कि आपको कितनी रत्ती का जेमस्टोन पहनना होगा। फिर आकार देखना है, कुछ जेमस्टोन रेक्टेंगुलर होते हैं, कुछ जेमस्टोन तिकोने होते हैं। तीसरा आपको देखना होगा कट। चौथा आपको देखना होगा क्लैरिटी। ये नहीं कि आपने जेमस्टोन लिया और उसमें बहुत सारे जाले हैं या उसके अंदर आपको छेक दिखाई दे रहे हैं, वो जेमस्टोन अच्छे नहीं होते हैं। फिर हमें देखना होगा कि इसको कौन सी धातु में पहना जाता है। जेमस्टोन्स के लिए आपको आपके एस्ट्रोलॉजर बताएंगे कि चांदी में पहनना है या सोने में पहनना है या तांबे में पहनना है या लोहे में पहनना है या मिश्र धातु में पहनना है। फिर आता है किस दिन पहना जाए या किस समय पहना जाए, इसको भी एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। फिर भी मैं कहूँगा कि जिस ग्रह का आपको जेमस्टोन पहनना है आपको उसी ग्रह के दिन को पहनना चाहिए। यानी कि अगर आपको डायमंड पहनना है तो वह शुक्रवार को धारण करना चाहिए, अगर आपको लाल मूंगा पहनना है तो उसे मंगलवार को धारण करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। फिर एक और पॉइंट आता है कि इसके लिए रिचुअल क्या है, यानी कि क्या पूजा पाठ करनी चाहिए। तो फिर इसमें मैं कहूँगा कि आपको आपके पंडित जी या एस्ट्रोलॉजर विस्तार से बताएंगे, परंतु बेहतर ये होगा कि जिस दिन आपको पहनना है उससे एक दिन पहले शाम को आप अच्छी तरह से उस अंगूठी को या लॉकेट को धो लें, साफ कर लें, गंगा जल में उसको भिगो दें, फिर अगले दिन उसको एक बार फिर से साफ करके इष्ट देव का ध्यान करके आप उसको पहन लें। आखिर में आता है कि कैसे पहने, तो इसको पहनने के दो ही तरीके हैं कि या तो आप उसको अंगूठी में पहन सकते हैं या लॉकेट में, परंतु ध्यान रहे कि वह जेमस्टोन आपकी स्किन यानी आपकी त्वचा को टच करता रहे, छूता रहे। आइए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न या इससे मिलते जुलते प्रश्न मुझसे बहुत 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 पूछे जाते हैं। जैसे जी, मेरा जन्म हुआ था जयपुर में, बताइए मेरा भविष्य क्या है, या मैं सन 1972 में पैदा हुआ था, बताइए मेरा भविष्य क्या है, या मैं एक अस्पताल में पैदा हुआ था, बताइए मेरा जन्म क्या है। देखिए, यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपका प्रश्न तो अच्छा है, आपकी इंटेंशन तो अच्छी है, पर आप इस एक एस्ट्रोलॉजर को जो इनपुट्स दे रहे हैं वो पूरी नहीं है। वैदिक ज्योतिष में हॉरोस्कोप बनाने के लिए हमें चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। उदाहरण के तौर पर जयपुर 24 जनवरी 1980 सुबह 9:10। अगर ये आप पूरी इनपुट देंगे तो एस्ट्रोलॉजर तभी ही आपकी सही कुंडली बना सकेगा और सही कुंडली के आधार पर आपको सटीक भविष्यफल दे सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो आप इसी तरह से उनको इनपुट देंगे। 9वां प्रश्न भी ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जी, मेरी धनु राशि है और मेरी गर्लफ्रेंड की कर्क राशि है, हम दोनों की शादी कब होगी। अब मान लीजिए कि आप भी एस्ट्रोलॉजी जान गए हैं और जब आप ये प्रश्न सुनेंगे तो आपको बहुत ही हास्यपद लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका उत्तर मैं पिछले प्रश्न में पहले से ही दे चुका हूँ। हमें यानी कि एक एस्ट्रोलॉजर को आप दोनों की कुंडलियाँ चाहिए, और उसके लिए आप दोनों के, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। उन दोनों कुंडलियों को
हम फिर बैठ के उनका विश्लेषण करेंगे और फिर उन कुंडलियों के विश्लेषण से हम देखेंगे कि शादी के योग कब बन रहे हैं और उन योग के अनुसार शादी की शुभ तिथियां कब हैं। ये तिथियां आपको फिर बताई जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहते हैं तो आप उनसे अपने प्रश्न को इसी तरह से पूछेंगे। हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपकी तरफ से है कि मैं अमुक व्यक्ति को प्यार करता हूँ या करती हूँ, क्या आप उसके ऊपर जादू टोना करके आप मेरी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही गलत प्रश्न है, इसमें इंटेंशन भी बहुत ही गलत है और तीसरा, आप गलत दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। आइए मैं समझाता हूँ कैसे आप किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ अपनी तरफ आकर्षित करवाना चाह सकते हैं। ये बहुत गलत है। दूसरा, ये ज्योतिष शास्त्र में कहीं भी नहीं सिखाया जाता, पढ़ाया जाता कि कोई आप जादू टोना करके किसी एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति की तरफ आकर्षित करवा दे। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो वो एक सच्चा ज्योतिष नहीं है। तीसरा, अगर हमें ये पता होता तो क्या हम अपने पास बहुत सारे क्लाइंट्स को जादू टोना करके अपनी तरफ ना खींच लेते। तो मैं आपसे कहूँगा कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाकर अपना समय बर्बाद ना करें, अपने बुरे कर्मों में इजाफा ना करें और अपना धन और अपना समय बर्बाद ना करें। तो दोस्तों, ये थे आपके 10 प्रश्न और मेरे उत्तर। इसी तरह अगर आप इसको लाइक करते हैं, इसको शेयर करते हैं, तो मैं इसी तरह के प्रश्न आपके सामने डिस्कस करता रहूँगा, उनके उत्तर देता रहूँगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा, और मिलते हैं एक नए वीडियो में।